उन्होंने अपना पूरा लाइफ का प्लान चेंज कर दिया ठीक है प्रोविंस आने के लिए उनको ओवर उन्होंने रूल चेंज कर दिया ओवर सबसे पहले तो बात करते हैं ये चेंजेस 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 क्या है? पूरी जो की लिस्ट है आप इस वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो दो मेजर हाईलाइट कर देता हूं. सबसे पहला तो जो मास्टर्स कुछ ऐसे एलिजिबल मास्टर्स प्रोग्राम थे आईपीजी के अंडर इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम के अंदर जिसे करके डायरेक्टली पीआर के लिए आप एलिजिबल थे मोमेंट यू ग्रेजुएट आपकी पीआर आर हो गई बट अभी उन्होंने सडनली एक नया रूल इंट्रोड्यूस कर दिया कि आपको मास्टर्स होने के बाद भी स्किल्ड ऑक्यूपे में जॉब चाहिए जस्ट अनाउंस कर दिया और उन्होंने इंग्लिश का जो बेंचमार्क था वो बढ़ा के अब कर दिया है। वैनकूवर में इसको लेके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप यहां पे एक वीडियोस भी देख लो

कि एक तो भाई जो स्टूडेंट्स अभी करंटली उनके लिए आपने कभी उनके लिए आपने सोचा ही नहीं और ये बिहेवियर तो गवर्नमेंट का उनके साथ है कि जो स्टेम फील्ड में है जिनको ये लोग बुला रहे थे बोल बोल के कि प्लीज आओ आप बस ये प्रोग्राम कर लो हम आपको पीआर दे देंगे प्लीज बीसी में पढ़ो उनके साथ गवर्नमेंट का ये बिहेवियर है जो स्टेम फील्ड के लोग हैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिसिन ठीक है Science, Medicine, उनके साथ ये ये बिहेवियर है गवर्नमेंट का आप सोचो जो लोग स्टेम फील्ड की पढ़ाई नहीं करते उनके उनके साथ क्या होगा उन, मतलब उनका फ्यूचर क्या है दूसरा इन्होंने एक तो करंट स्टूडेंट्स के बारे में कोई पाथवे नहीं बनाया पॉलिसी चेंज करने से पहले दूसरा दे डिंट गिव इनफ टाइम कि आपने नई पॉलिसी लाना आपका राइट है गुड नो प्रम्स एट ऑल बट उस नई पॉलिसी को अनाउंस करने के लिए कुछ टाइम तो दो कि ओके अब जो बंदा दूसरी कंट्री में बैठा है जिसने बीसी में एडमिशन ले लिया ही डिक्लाइंड ऑफर्स टू अदर कंट्रीज या अदर प्रोविंसेस ठीक है उसको टाइम तो दो कि ओके दिसंबर 2024 तक जिन्होंने एडमिशन ले लिया कूल cool, उसके बाद से हम आपको नहीं करेंगे तक ये जो भी कुछ राहत तो like, no मिल जाए अभी के लिए जो सिर्फ मास्टर करते ही पी हो जाते थी उस चीज पे बैन लग गए गवर्नमेंट के अपने लॉजिक है कि हम क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेनली बोल रहे हैं कि कुछ बैड एक्टर्स है या कुछ इंस्टीट्यूशन फायदा उठा रहे स्टूडेंट्स का इवन इफ ट्रू इवन इफ मान लिया कि हाँ देर आर बेड एक्टर्स इन इन द होल इमिग्रेशन सिस्टम कुछ लोग फायदा उठाते थ्रू बट कोई भी नई पॉलिसी लाने से पहले देर शुड बी अड्डा ये ग्रेस ये पीरियड है ना अब ये गवर्नमेंट इलेक्शन के चलते कर रही है या फिर कुछ और रीजन्स हैं वो अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा बट एज ऑफ नाउ आप देख लो कि एक इमिग्रेंट की जो लाइफ होती है वो कितनी अनप्रडिक्टेबल होती है जस्ट इमेजिन कोई मास्टर्स का बच्चा है जो आपको पता है मास्टर्स प्रोग्राम की फीस सबसे हाई होती है फॉरन इंटरनेशनल स्टूडेंट कोई मास्टर्स का बच्चा रात को सोने गया ये सोच के कि मैं एक महीने में दो महीने में ग्रेजुएट हो रहा हूँ और उसके बाद मेरे को पी मिल जाएगी एंड ही वेक्स अप नेक्स्ट डे नाइन ए एम प्रेस कॉन्फ्रेंस ओके नो मोर पी आर

डॉलर लगायाप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुलर इज नो रियल कंक्लूजन टू दीडियो एज दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी ठीक है अभी आगे दो तीन दिन में देखेंगे क्या डेवलपमेंट होती है क्या गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स बैक लेती है कुछ चेंजेस करती है वी विल सी बट एज ऑफ नाउ हेर वी आर आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल इंस्टाग्राम है पीयूष मेहरवाल इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो थैंक यू सो मच बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो